आपने मुझे पुरुषोत्तम योग पर कुछ अनुभव बताने के लिए कहा, किंतु मुझे अभी तक चार अक्षर का ही ठीक से अनुभव नहीं है। पुरुषोत्तम का बारे में अनुभव कैसे बताएं, बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन ये पढ़ने से अच्छा, मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से अभी भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अनुभव क्या आपके सामने रखूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर भी जो भी मैं समझ पाया हूँ, सिर्फ पुरुषोत्तम योग ऐसा ही नहीं, लेकिन ये जो अस्तित्व के पद का दृश्य इस नक्शे के बारे में मेरे जो भी समझ में आया हो वही रखने की कोशिश करता हूँ। ये अस्तित्व के पद का दृश्य समझने, ये नक्शा और उसका जो विवरण है वो पढ़ते पढ़ते इसे ध्यान में आया, मुख्य अस्तित्व के पद क्या है। वहां से अगर शुरू करें तो अस्तित्व के पद यही पुरुषोत्तम पद है। ये त्रिपुटी रहित भाव है, त्रिपुटी रहित पद है, वही अस्तित्व के पद है। और इस लक्ष्य में जो भी सात भूमिकाएं बताई है वो विज्ञान प्राप्त करने की अंतिम स्थिति तक का जो विवरण है उसमें से भी ये सब समझने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये जो चार भेद है उस हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। उसमें ही परब्रह्म वस्तु का ज्ञान होने के लिए इसमें जो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण भाव है, तो उसमें का स्थूल भाव ये क्षर भाव है, सूक्ष्म भाव ये अक्षर भाव है, कारण भाव ये पुरुषोत्तम भाव है और महाकारण ये परब्रह्म भाव है। अभी इसमें से हर एक चीज, यानी अगर अक्षर भाव भी अगर समझना चाहो तो उसमें भी हमें ये चार तरीके से समझने की कोशिश करना है। क्षर में भी जो स्थूल भाव है वो है पंचमाभूतों का, पंच तत्वों का। शर्मे का सूक्ष्म भाव जो है वो है त्रिगुणों का। उसमें का जो कारण भाव है वह है गुण साम्यावस्थे का, और उसका महाकरण भाव है अक्षर भाव। उसी तरह समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक पुरुषोत्तम भाव तक मैं सच में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसमें जो महाकरण भाव जो है पुरुषोत्तम का, उसमें ये कैसे समझना ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ शर्मा में अभी तक उलझा हुआ हूँ, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा जो समझ में आया वो ऐसे है कि शर्मा का जो इसमें जो नक्शे में जो अ ब एक ब और एक अ लिखा है, तो एक ब ये तो पूरी अज्ञानी व्यक्तियों की पद है या स्थिति है, उन्हें परब्रह्म वस्तु का कुछ भी दर्शन नहीं है, उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन पदार्थ भाव में अटके हुए हैं, जहाँ पर विश्व भाव की भी संकल्पना समझ में नहीं आती, वो जगदाभास जगत भाव और पदार्थ भाव में ही अटके हुए सब लोग हैं। लेकिन फिर भी इसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है कि उसमें इस दुनिया के सब भौतिक शास्त्र आते हैं, उसमें से सब विज्ञानी जो है पदार्थ विज्ञान के वो सब उसमें आते हैं। इसके आगे चलकर जब कहीं ये जगदाभास से थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तब कहीं वो विश्व वस्तु का भासमान अवस्था प्राप्त होती है, जो कि मुमुक्षु की अवस्था होती है। एक ओ ये मुमुक्षु की अवस्था है, एक ब में मुमुक्षु तो भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी एक अ में जब ये मुमुक्ष होता है तो उसने सब शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ होता है, फिर भी उसके समझ में नहीं आता शास्त्र, यानी श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण इनका, और उनके द्वारा
उनमें बताया हुआ कर्मों का आचरण करने के बाद में भी उस मुमुक्षु का समाधान नहीं होता, इसलिए वो सद्गुरु के पास जाकर पूछता है। तो ये अवस्था जो है वो है एक अ की। ये एक अ की अवस्था में जब ये मुमुक्षु यानी उसकी अवस्था नरकी होती है, तो नरक को प्राप्त हुए बिना ये जिज्ञासा उत्पन्न होती ही नहीं है। जिज्ञासा परमात्मा परब्रह्म जानने की जो जिज्ञासा है वो भी नरक को प्राप्त किए बिना होती ही नहीं है। तो इसलिए एक अ से सही हिसाब से सही मायने में परब्रह्म वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश या अभ्यास शुरू होता है। तो इसी तरह एक अ की जो अवस्था है उसके बारे में जो इस लक्ष्य में जो लिखा है उसके हिसाब से ही जो शब्दों में मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये जगदावास की सूक्ष्म दशा होती है और यहाँ पर गुणों का उगम होता है, यानी गुणों का विकास शुरू हो जाता है, गुणों की कार्य शुरू होता है। और यहाँ से आगे जैसे जैसे हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप त्रिगुण गुण साम्यावस्था अक्षर भाव और आगे समझ पाते हैं। मेरे हिसाब से इससे आगे अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा जंगली होता है, इसलिए नर्मदे है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग हमारे सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो मतलब अपना थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन दें और इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर चर्चा प्रारंभ करेंगे। नक्शे के अभ्यास में अभी डॉक्टर मनोहर वाणी जी ने एक ब और एक अ की भूमिका अच्छी तरह से स्पष्ट की। दूसरी भूमिका का भी विवरण उन्होंने किया कि वहां गुणों का उदय हो रहा है, लेकिन पहली भूमिका में एक और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होंने कहा कि ये मुमुक्षु की अवस्था है। अब मुमुक्षु को सद्गुरु मिलने के बाद वास्तव में जो मुमुक्षु है श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के में परोक्ष ज्ञान की परमोच्च अवस्था में वो मुमुक्षु है, यानी उसका सत्व वहां पे शुद्ध हो गया है, इसलिए रजोगुण का जो ज्ञान भाव है परोक्ष ज्ञान का भाव वो सब श्रुति स्मृति शास्त्रों में देखने के बाद भी उसे ये लग रहा है अभी कि अभी मुझे कुछ जानना बाकी है, समाधान नहीं स्थाई, पढ़ लिया लेकिन ध्यान में बैठता नहीं, और आखिरी है जानना चाहता हूं ये यथार्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, इसलिए इस योग्यता का जो मुमुक्षु है वास्तव में उसकी अवस्था भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी वर्णन की है कि उसको श्रुति स्मृति शास्त्र पढ़कर वस्तु का शब्द ज्ञान हो गया। अब जब अवतार प्रकट होते हैं आस्तिक के पद में स्थित जो सद्गुरु पद है वहां पे स्थित होकर ज्ञान विज्ञान का सर्वत्र वर्षाव कर देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि जिनकी मुमुक्षुत्व की अवस्था नहीं है वो भी कुछ लोग जिनका सत्व अभी मलिन है वो भी जुड़ जाते हैं उसमें, और जुड़ने के बाद एक ध्यान में रहना चाहिए मायानंद जी का वाक्य कि भगवान का साक्षात्कार जो है वे कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार औरों का श्रवण है, मुमुक्षु का श्रवण है नहीं कहा, औरों का श्रवण है। इसका मतलब यह है
ये श्रवण होने के बाद जिनको ये पूरी मुमुक्षुत्व की अवस्था प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने भी अपने गुण शुद्ध, अपने गुण विकार जो है वो शुद्ध करने के लिए करने की ओर ध्यान देना चाहिए। अब ये गुण विकार क्यों है? क्योंकि अनंत जन्म से जीव आया है, तो रज तम रज सत्व के संस्कार उसके हैं। श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के जो संस्कार है कर्म के रूप में, तो वो विकर्म के और यज्ञ का तप रूप कर्म के भी है। तो ये मुमुक्षु, मुमुक्षुत्व जिन्हें नहीं है, वो पहले श्रवण कर लेता है और समझ लेता है कि मुझे ज्ञान हो। इसमें का फर्क ध्यान में लेना चाहिए कि स्वामी विशुद्धानंद जी के संकल्प संपर्क में जब भगवान गए, लोगों ने पूछा कि आप कितने देर तक रहे, कितना समय वहां बिताया आपने? भगवान कहते हैं कि 10 मिनट रहा हूं। और क्या क्या पूछा आपने? बोले मेरा जो बुद्ध सवाल था उसका उत्तर मुझे मिल गया, मेरा समाधान हो गया। तो ये देखिए, ये मुमुक्षुत्व अवतारित्व का मुमुक्षुत्व। लेकिन शंकराचार्य जैसे ज्ञानी जो है, उनका मुमुक्षुत्व कब आएगा? कि जब वो ज्ञान तो है और पूरे जगत को ज्ञानी बनकर बतला रहे हैं, लेकिन जब अंतकरण में शुद्ध सत्व का भाव निर्माण होगा कि नहीं, मैं जानता नहीं, अभी मैं केवल सत्य प्रमाण देता हूँ, आप्त प्रमाण देता हूँ, श्रुति ऐसा कहती है, स्मृति ऐसा कहती है, पुराणों में ऐसा लिखा है, इस तरह ज्ञान का मैं प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यथार्थ धारणा नहीं। इसलिए सर्वांग योग के पहले अध्याय की मुमुक्षु की अवस्था, इतनी उच्च अवस्था है, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब सर्वत्र वर्षा हो गई, इंद्र की वर्षा, तो उसमें सबको उसमें लाभ होगा ना। इसलिए स्थूल जगदाभास और सूक्ष्म जगदाभास के दोनों के बॉर्डर पर जो जीव खड़े हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी कुछ विशेष दिख रहा है नहीं। इतने कीर्तन प्रवचन सुने हैं, लेकिन ये विज्ञान का जो दर्शन है ये कुछ विशेष दिख रहा है, इसलिए जुड़े जाते हैं। तो यहाँ पे ये मलिन सत्व जो है उसको भी शुद्ध होने की आवश्यकता है। मलिन सत्व के साथ साथ तम और रज जो है वो भी मलिन अवस्था में ही रहते हैं। और इसलिए जो दृश्य दिखाया है कि मैं तू का दृश्य वगैरह जो है दूसरी भूमिका में, वो शब्द तो सब बोल देगा विज्ञान, लेकिन गुणों की जो अवस्था है, गुणों का उदय और उनमें अलग अलग अवस्था, इसका अनुभव नहीं हुआ। यहां से अब आगे चलेंगे। यथार्थ मुमुक्षुत्व यानी मुमुक्षुत्व की सच्ची दशा जिसमें है, वो एकदम चौथी भूमि तक पहुंच जाता है। यानी उसे होता है कि जिसको मैं शब्द में सिर्फ सुना रहे थे लोग, वो मुझे सद्गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। कहाँ दिखाया? तत्पदम दर्शिकम ये न तस्मै श्री गुरु मे नमः। तो तत्पद में दिखाया। उपनिषदों के बड़े बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य जैसे भी क्या कर रहे हैं कि उपमा उत्प्रेक्षा रूपक इस तरह वर्णन से उनको एक विशिष्ट करके बहुत बड़ा ज्ञानी था। हाँ, उसका प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी से कि मुझे प्रत्यक्ष दिखा हो जिसका वर्णन कर रहे हैं, जैसा मैं बतला सकता हूँ कि ये गाय है, ये घोड़ा है, उस तरह जिस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई है।
उपनिषदों के वेदांत के आगे केवल भगवान मायानंद चैतन्य जी ने ही दिव्य चक्षु द्वारा जिसे तुम ढूंढ रहे हो और जिसे विवर्त करके बाजू में रख रहे हो उसी में बैठी है जो अस्थि भाति क्रिया उसी में है, यानी जो ढूंढने का कार्य एकदम बंद हो गया है मुमुक्षु में, उसे साक्षात्कार की अवस्था में आ गया हूँ। लेकिन सामान्य हमारे जैसे जो है उन्हें भी लाभ हो गया अवतार के विज्ञान का, लाभ होने के बाद उसमें स्थित होने के लिए ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमारे गुण शुद्ध करने की आवश्यकता है। और ये गुण शुद्ध कैसे होते जाएंगे, वस्तु की जो चार अवस्थाएं है डॉक्टर वाणी जी ने भी बताई और डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने भी स्पष्ट कि वस्तु प्रत्यक्ष अधिष्ठान है, उसमें दिखने वाला स्वरूप जो है वस्तु का स्थूल स्वरूप, तो इसको पूरी तरह जानना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि वस्तु के ये स्थूल स्वरूप में पंच तत्व है और त्रिगुण है, त्रिगुणों का लय जिसमें है उसे साम्य अवस्था का है, अटो का जो लय स्थान और साम्य अवस्था जैसे उस साम्य अवस्था का अनुभव लेने के लिए पांच तत्व के लेवल पर भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव क्या है और त्रिगुणों के लेवल के ये जब समझ जाएंगे तो हमें साम्य अवस्था जो परब्रह्म वस्तु का पुरुषोत्तम का स्वरूप है वो दिखने लगेगा, यानी वहां पे विश्व दिखने लगेगा। तो दोरे जी है आप यहाँ पे, दोरे जी सर, हाँ प्रश्न पूछा था तो पंच तत्व के कुल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये चार भाव आप स्पष्ट कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पंच तत्व का स्थूल सूक्ष्म भाव, पंच तत्व का स्थूल भाव सूक्ष्म, पंच तत्व का स्थूल भाव स्वामी जी जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषय हो जाएंगे, पंचीकरण हो जाएगा, पंचीकरण आदि हो जाएगा, स्थूल भाव पंचीकरण हो जाएगा, सूक्ष्म भाव यानी ज्ञानेन्द्रिया हो जाएंगी, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया और कारण तत्व हो जाएंगे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और महाकारण तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र मात्र तन्मात्राएं, तन्मात्र को महाकारण कैसे करेंगे कहेंगे, सॉरी महाकारण गुण साम्य हो जाएगी, सोच महाकारण गुण साम्य हो जाएगी, क्योंकि तत्व तो तन्मात्र रूप ही है ना, बराबर बराबर तत्व तन्मात्र ही है। अब एक तत्व में अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो आकाश देखेंगे, आकाश हाँ समदर्शन योग दर्शन में पांच तत्व के विवरण के वक्त ये नृत्य दिया है वहां पे, पृथ्वी पृथ्वी का स्थूल भाव विषय यानी गंध हो गया जी। तो ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उसका ज्ञान होता है, तो वहाँ ज्ञानेन्द्रिय अक्षर भाव है जी। इसको सूक्ष्म कहा है जी। तो कारण भाव उसका हो गया तत्व भाव, पृथ्वी तत्व कारण भाव और महाकारण साम्य अवस्था है, जैसे पांचों तत्व का महाकारण, ये होने के बाद ये पांच तत्व समझ गए, लेकिन पांच ये पांच तत्वों के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का ज्ञान शब्दों में हो गया, वो डॉक्टर आनंद चैतन्य जी कहते थे, तो ये शब्द बोध हो गया, इसका मतलब मुझे समझ गया, वो पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसे ये कह रहे हैं कि उसका पूर्ण ज्ञान होने होने के लिए हमें तीनों स्तर पर यानी दृश्य लक्ष्य और भाव जो बतलाए हैं क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम,
इनका भी अनुभव हो जाना चाहिए। क्या दिखेगा? तीव्र मोक्ष जो है परिणाम सर्वांगी योग को सदगुरु का बोध होते ही उसे परमात्मा स्वरूप ही दिखने लगेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, तो इससे व्यवहार करने की दृष्टि एकदम बदल जाएगी उसको, क्योंकि प्रभु का स्वरूप उसे एकदम से बोध हो गया, अक्षर ब्रह्म तक का निश्चय हो गया, तो वो अक्षर ब्रह्म का प्रकाश स्वरूप के रूप में वो साम्य अवस्था में देख रहा है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो खंडित खंडित दिख रहे हैं, एक ही अखंड वस्तु में पांच जुड़े हुए हैं, वास्तव में ये अस्तित्व ही दिख रहा है पांचों ज्ञानेंद्रियों से, ये निश्चय हो जाएगा उसका परमात्मा स्वरूप। अब केवल शब्द ज्ञान हो गया तो क्या है, बदला देते हैं हम, लेकिन व्यवहार कैसा करते हैं, पंच तत्वों से कैसा व्यवहार हो रहा है? आज देखिए पंच तत्व जो प्रकृति के परमात्मा स्वरूप के प्रकृति में है, जिसको निसर्ग कह रहे हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है मानव का? तो जिसे ये विज्ञान हो गया है ऐसा कह रहे हैं हम, मैं कहता हूँ कि मुझे विज्ञान हो गया है तो मेरी दृष्टि एकदम से सेंसिटिव हो जाना चाहिए, दृष्टि में दिव्यत्व आने की आवश्यकता है। तो कैसे? तो धीरे धीरे जो तम रज के भाव है वो सत्व में तो आना चाहिए, भाई मुझे ये अस्तित्व का ही स्वरूप देखना है, मुझे जाति कुल नहीं दिख रहे। तो जब तक ये दिखते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे कि ये पांच तत्व का क्या कह सकते, तो ये शब्द बोल के आगे जाना है। शब्द बोल के आगे वे कह रहे हैं कि शब्द बोध का नाम ज्ञान है, यानी शब्द के स्तर पर ज्ञान हो गया, उसका अनुभव होना भी ज्ञान है, और ज्ञान और विज्ञान दोनों से होने वाली स्थिर तृप्ति का नाम अस्तित्व है। तो ये विज्ञान की स्थिति यानी अनुभव की स्थिति, हर स्टेज में हमें अनुभव की आवश्यकता। तो ये जो समावर्तन हो जाता है कि ये भी क्षरक है पुरुषोत्तम बतलाता, मैं भी बतलाता हूँ, क्या अंतर है दोनों में, हम जानते नहीं, केवल ये एक डल्ला देखते है कि वो भी एक व्यक्ति है और मैं भी एक व्यक्ति हूँ, वो अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम उपदेश कर रहा है, मेरे में उसमें कुछ फर्क नहीं, ये समावर्तन नहीं है इसमें। तो समदर्शन भगवान समझा रहे हैं कि समदर्शन के समदर्शन में सबकी एकता होती है, शब्दों में ज्ञान होके भी हम फुट क्यों दिखते हैं? तो ये विकार है हमारे, ये जाना चाहिए। अगर विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं हम तो भगवान ये सूचना दे रहे हैं, जागृति दे रहे हैं कि भाई इसको केवल शब्दों में मत रखिए, तृप्ति कैसे का तृप्ति का अनुभव कैसे देंगे? भोजन में रस रूप गंध सगड़ है, ये सब परमात्मा स्वरूप दिख रहा है, देखिए तृप्ति कैसे होती। जैसे पाक क्रिया करने वाला जो है वो भी देखेगा कि ये प्रभु का नैवेद्य तैयार हो रहा है, उसमें दिव्य भी आ जाएगा सब, ये फर्क पड़ेगा ना। तो ये पांच तत्व के ऊपर जब जाएंगे तो आकाश तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाश से ही स्थूल होते होते पृथ्वी तक आया। तो जगत में सब झगड़े जो हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि हम शब्द के स्वरूप को ही नहीं जानते, जो परमात्मा का स्वरूप है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे, तमोगुणी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब दिख रहा है स्थूल जगत में, उसका दृश्य हमें दिख रहा है, हमारे संसद में भी दिख रहा है, तमोगुण में उसी में समाधान है।
जोगुणी दृश्य कैसे दिख रहा है शब्दों का, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के दंभ दर्प सांप्रदायिक भाव सब चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि शब्द का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म का स्वरूप। तो जब हम स्थूल से शुरू करते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये ज्ञान होते ही हमारी दृष्टि बदल जाएगी। अब इसके आगे जाएंगे कि तीन गुण हैं, तो तीन गुण शब्द में है ना, गुण व्याप्त है। तो शब्द का तो शब्द में भी रज तम सत्व है, मैं बोल रहा हूँ किसी से, लेकिन बोलने से उसका आत्मभाव दुखित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। किसी को दुख न हो अगर अखंड मुझे दिख रहा है तो ये जागृति बहुत आवश्यक है। इसलिए दिव्य दृष्टि के स्वरूप का व्यवहारिक महत्व ये जो देख है, एक संग्रह में मायानंद चैतन्य जी का, वो बार बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही मुमुक्ष को विश्वरूप परमात्मा का वैभव दिखने लगता, और वो वैभव है विद्या और कलाओं के रूप, विश्व की विद्या। तो दोहरे जी, आपने ही प्रश्न पूछा था पिछले वक्त कला क्या है, तो कल्प को समझाते वक्त आनंद चैतन्य जी नक्शे में कह रहे हैं संपूर्ण ज्ञान जो है पंच तत्वों का, त्रिगुणों का संपूर्ण ज्ञान, यानी पांच और चिन्ह आठ, यानी प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से होना चाहिए, अनुभव की दृष्टि से। और उन्होंने कहा आप कला किसको कहेंगे, तो प्रकृति की कला ये है ना, ये सोलह पंच तत्व स्थूल पांच सूक्ष्म पांच दस हो गए, त्रिगुण स्थूल तीन सूक्ष्म तीन कितने हो गए, स्थूल सूक्ष्म मिलाकर सोलह हो गए। ये प्रकृति की कला है। और उन्होंने एक सूचना भी दी है कि जगत में जो कलाएं है और विद्याएं है उच्च अध्यात्म विद्या की एक कलाएं और विद्याएं जो है वो अलग गिनाई। कैसी अलग गिनाई, परिपूर्ण ज्ञान, साम्यावस्था का पूर्ण ज्ञान, और इसमें आते हैं अक्षर ब्रह्म में, तो अक्षर ब्रह्म का पूर्ण विज्ञान का अनुभव, और पुरुषोत्तम का पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विज्ञान पुरुषोत्तम का, यानी नौ साम्यावस्था हो गई, दस क्रमांक अक्षर ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं केवल पुरुषोत्तम का संपूर्ण विज्ञान कि जो त्रिपुटी भाव तक जाता है पुरुषोत्तम भाव का विज्ञान, ये तेरह हो गई, अभी ग्यारह हो गई। पराशक्ति एक है, वस्तु की शक्ति पर पराशक्ति और पर ब्रह्म वस्तु विश्व वस्तु, हाँ इनका संपूर्ण ज्ञान और उसको का साक्षित्व जिसको है वो है अवतार, ऐसा उन्होंने विश्लेषण किया। वो है आस्तित्व के पद में बैठे हुए अवतार। तो हम एकदम तो आस्तिक के पद में नहीं जा सकते, लेकिन एक सीढ़ी सीढ़ी से पहले हमें सीढ़ी पार करना जो है वो तीसरी भूमिका जो है वहां तक पहुंचेंगे। तो
कला का अनुभव कैसे लेंगे? चौकसे जी, आप थोड़ा शेयर कीजिए ना, बताइए। डॉक्टर आनंद चैतन्य जी कि ये जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वह संपूर्ण ज्ञान कर्म कौशल्य में परावर्तित करना, इसको कला कहा है। इसका समझ देंगे भगवान कहते हैं कि दोना का राज है। भगवान ने कहा है सोलह कला है वो आठ सदस्य है, जो जो आठ सदस्य हमारा अनुभव होता जाएगा तो जो कला होती जाएगी। समझना कैसे उसको जो है वो स्वकर्म में चाहिए। कर्म कौशल जगत राव का कर्म कौशल नहीं अपेक्षित है वहां पर। ये जो अध्यात्म विद्या की 14 कलाएं, 14 विद्या और 16 कलाएं उन्होंने गिनाई है उसमें, उसमें ये जगत राव की विद्याएं और कलाएं नहीं है। और वो कहते हैं कि ये अपने कर्म कौशल्य अपने वर्ण कर्म द्वारा ही प्रकाशित हो। तो साम्यावस्था बतलाइए। योगा कर्म सुकौशल, योगा कर्मसु कौशलम, इसको और स्पष्ट कीजिए थोड़ा। स्पर्श रूप रस तो वो विषय कब हो गए? योग युक्त हम रहे तो योग दुख हरण होगा। योगो भवति दुख, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे आवश्यकता के ज्यादा, तो जब युक्त हो जाएगा, योग युक्त हो जाएगा तो वहां से ही शुरू हो जाएंगे ना। पंच विषय जो है वो परमात्मा के स्वरूप में ही दिखने लगेंगे। उसी तरह पंच तत्व जो है प्रकृति की द्रव्य शक्ति, तो द्रव्य शक्ति का उपयोग सबके लिए है, उसका विनियोग कैसा करना चाहिए ये जागृति आ जाएगी। ये वैभव दिखने लगेगा परमात्मा स्वरूप का, ये वैभव उसके प्रकृति भाव में दिख रहा है। पांच और तीन यहां तक आ गए, तीन गुणों का। तो तीन गुणों में अत्यंत स्थूल भाव जो है गुणों का, उसको क्या समझना चाहिए? गुणों का अत्यंत स्थूल भाव जो है, जैसे पंच तत्व के हमने स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव आज समझने की कोशिश की, उसी तरह गुण के बतला दीजिए। पांडे जी है यहाँ पे, कुमार जी, जी हाँ,
ये आप गुणों के बतला दीजिए जरा, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल मन बुद्धि अहंकार और सूक्ष्म सत रजस्तम, कारण गुण साम्य और महाकारण अक्षर ब्रह्म, अक्षर आत्मा। तो कारण भाव कौन सा बदला है आपने? गुण साम्य। सत्व रजतम इसके बदले, हाँ सत्व को सूक्ष्म गुणों के रूप। जी जी। तो इसमें कर्म कौशल्य की बात जब आती है तो सत्व रजतम हम पढ़ लेते हैं और बस अपना वर्ण पहचान के कर्म करते जाओ। कर्म कौशल्य यानी वर्ण के मुताबिक कर्म कौशल्य ऐसे शब्दों में कहते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने लिखा है कि चतुर्वर्ण का सूक्ष्म आकलन वहां पे होता है तीसरी भूमिका में। इसको थोड़ा समझाइए राजेंद्र जी, आप समझाइए। जी साधन चतुर्वर्ण का सूक्ष्म अनुभव ऐसे होने लगता है कि मेरे जो मेरा स्वभाव क्या है और उसके कर्म क्या है, ये जागृति आ जाती है उसकी। कर्म का स्वभाव क्या है? जैसे मान लीजिए कि तमोगुण स्वभाव है, ऐसा मानने की विभाग स्वरूप मम महत् ब्रह्म या व्यक्ति भाव नहीं देते। तो जब हम साम्यावस्था तक जाते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव कहाँ रहता है? वो सबका स्वभाव परमात्मा स्वरूप में है, गुण साम्य प्रकृति है सबका स्वभाव। तभी अभिन्नता का अनुभव होगा ना, उसमें तद्रूपता का अनुभव होगा। नहीं तो जब तक हम कहेंगे कि मेरा स्वरूप तमोगुणी है, वो मैंने नक्शा पढ़ लिया 50% तमोगुण, 25% सत्वगुण, 25% रजोगुण आखिरी में, इस पर से ही स्थूल भाव है। चतुर्वर्ण का सूक्ष्म भाव में हम जब जाते हैं तब वहां पे क्या लिखता है कि गुण एक रूप हो गए। तो चार कैसे दिखेंगे वहां पे? जब साम्यावस्था का अनुभव में तीन गुण ही नहीं रहते अलग अलग, वो एक रूप हो जाते हैं, तो फिर स्वरूप क्या है सबका? सबका स्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप में ही ले है सबका स्वरूप, हमें अलग स्वरूप नहीं है। तो वहां पे ये ध्यान में आ जाएगा कि अपना जो वर्ण वगैरह बतलाने की और सुर भाव से जानने की जो हमारी चेष्टा हो रही है उसमें जरा विवेक आ जाएगा कि नहीं इतनी आसान बात नहीं है ये। आठाने चाराने चाराने कर दिया और अलग अलग अपना विभाजन कर दिया, यही तो गड़बड़ हो रही है सब। और वो मूल चतुर्वर्ण जो है प्रभु का स्वभाव रूप में का, वहां पे एक रूप है सब, वो उसी का चातुर्य है, इसलिए चतुर्वर्ण कहा। और वो समझने के बाद फिर कर्म में कुशलता है ज्ञान होने के बाद। इसलिए वहां पे डॉक्टर आनंद चैतन्य जी हमें कह रहे ये सूक्ष्म भाव जो है चतुर्वर्ण का, तो उसमें चार नहीं रहे। ये अधिष्ठान सामने रखा है,
रोहित जी यहाँ पे मुझे चार पकड़ा लीजिए। जो स्वरूप है उसमें चार दिखते हो तो बदला दीजिए। माइक बंद है आपका दोहरे जी, चालू कर लीजिए। सर एक ही दिखता है। हाँ एक ही दिखता है। हाय हाय दिख रहा है बस, केवल हाय। हाँ जी हाँ। और ये राजेंद्र जी आपको चार दिख रहे हैं? नहीं स्वामी जी एक ही दिख रहा है। एक तो महेंद्र कुमार जी यानी प्रभु का परमात्मा स्वरूप का अनुभव है ना ये? और कौन कौन है यहाँ पे वो भी बतलाइए, जिनको चार रिश्ते हैं वो बतला दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चारों भी एक रूप हो जाएंगे, ये हम सेवक है। तब कर्म में कौशल्य धीरे धीरे प्रकट हो। अभी जगत भाव में तो किसी को उपकार करने वाले, दान देने वाले वगैरह बहुत है, लेकिन ये विश्व सेवा का ये मतलब नहीं। उसमें सेवा करने का जो भाव अहंकार रहता है वो रहते ही अलग। अब परमात्मा दर्शन के बाद क्या होता है कि वो अलग नहीं रहता, वो मिल ही जाता है ना उसमें। इसलिए ये आसन बहुत पक्का होना चाहिए, जिसको द्विजबोध दशक में ये जो तीसरी भूमिका है उसको आसन कहा। तो मुमुक्षु एकदम से आसन में बैठ जाता है, जो मुमुक्षु नहीं है उसने भी ज्ञान विज्ञान के अग्नि से अपने विकार दूर करके धीरे धीरे वहां तक जाना चाहिए। एकदम मुझे ये सब मालूम हो गया, आस्तिक के पद वगैरह शब्द मालूम हो गए, इसलिए मुझे साक्षात्कार हो गया, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। किसी के पास अभी वहां पे है क्या? जी जी बहुत दशक आपके पास है, किसी के पास अपने पास मिलेगा? हाँ स्वामी जी मेरे पास है। मेरे के पास बाद आसन का भगवान वहां पे किसके पास है? पढ़िए जी स्वामी जी मेरे पास है, निकाल लो। हाँ मैं पढ़ू कौन सा पढ़ना है स्वामी जी? नर्मदे तीसरे नंबर का पढ़ना है क्या? तो होने की स्थिति बदलाई है ना भगवान ने वहां पे। हाँ तो दूसरा पढ़िए, अखंड गति से फिरे अखिल विश्व देखे वही मिल गया। मिल गया सर। अखंड गति से अखिल विश्व देखे वही विराट पद एक है, शतक लोक विधे यही इसे क्षर ब्रह्म ये पद दिया श्रुति ने कहे। अष्टंग स्थिति में रहे यम यही निजानंद है। इसका स्पष्टीकरण भी कोई कर सकता है तो स्पष्टीकरण आपने भी किया, मुझे जहां तक हो सकता है मैंने भी आपके सामने रखा। तो यहां से देखिए क्या जाए कि विराट पद एक है, एक में
क्योंकि एक ही है ना, हमारी प्रकृति एक है, उसमें मुख हाथ पेट और पांव ये कर्म विभाग है, प्रकृति तो एक है ना। तो वर्ण का प्रकाश कब शुरू होगा, इसलिए जब तक हम उसमें तद्रूपता प्राप्त नहीं करेंगे उस स्वरूप में। अब यहां से वर्ण की स्थिति जो है वो सूक्ष्म हो गई, विचार में हमें एक दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे अपना वर्ण किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं, या वो तो ब्राह्मण है और ये भ्रम में रहते हैं, हम गलती से हम ब्राह्मण समझ लेते हैं, शब्द ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण नहीं है। कर्म कौशल्य में वर्ण सिद्ध होता है, तो वर्ण का संबंध, कला का संबंध तो है वो कर्म कौशल्य से, और कर्म कौशल्य का संबंध है योग युक्ति से। अरे इसीलिए तो भगवान शुरू से हमें जोड़ रहे हैं विश्व वस्तु से। एक बार नागपुर में सत्संग चल रहा था, तो किसी ने ऐलान कर दिया, हाँ डॉक्टर आनंद चैतन्य जी के मकान पे हर इतवार को चलता था, डॉक्टर आनंद चैतन्य जी नहीं सर्वांग आनंद जी, वो भी संचालक थे विद्याशाला। तो उन्होंने जो संयोजक था उसको सूचना कर दी कि इसका ही आज उपदेश रखिए, तो मैंने रखा पुरुषोत्तम भाव तक समझने के लिए। मैं हाँ मैं सेवर कर सचरा जगह रूप राशि गंध उसी सब सेवक है विश्व के, ये आनंद है सेवा में आनंद है, चार नहीं बतलाए मैंने, आनंद चेत सर्वांगानंद जी ने फिर पूछा समाप्त होने के बाद, चंद्रकर आपने चतुर्वर्ण का उल्लेख क्यों नहीं किया, तो अधिष्ठान सामने ही था। वही उठा के मैंने कहा कि स्वामी जी मुझे चार नहीं दिख रहे, तुम्हें क्यों उल्लेख करो उसका, मुझे तो ये नहीं दिख रहा। वो समझ गए, उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ भी रख दिया, मुझे ठीक है। वहां मुझे ध्यान में आया कि ये बतलाने की जरूरत नहीं है। एक बार पुणे के भी सत्संग में हमने कहा कि भाई बहुत थे बड़े 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 लोग आए थे पुणे में भी, और प्रहलाद जी करम जी के घर सत्संग चल रहा था, स्वामी जी भी हमें बोला कि हम प्रचार में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एकदम से ये सब बतला देते हैं विश्व का सिद्धांत शब्दों में और आखिरी में है चातुर्वर्ण। अब ये चातुर्वर्ण को जितने साल हो गए भूल गए हैं, विकृत इतना विकृत हो गया आज ये कि चातुर्वर्ण चातुर्वर्ण व्यवस्था को चातुर्वर्ण करें। तो ये जो चातुर्वर्ण है ये स्वयं वो है विश्व का चातुर्य है, शरभाव जो है प्रकट हो गया है वह अक्षर का चातुर्य है, चतुर्थ है उसी की कला है। इसलिए कलाओं का जब विचार करते हैं तो कला है क्रम क्रम से हमारी प्रकट होगी, जब विकसित होती है क्रम क्रम से, सेवा भाव करते करते अनन्य सेवा से, तो 10 कला तक वो विभूति हो जाता है। स्वराज आनंद जी ने इसमें लिखा
स्वराज्य दर्शन में, तो 10 कला तक जिसका संपूर्ण ज्ञान हो गया, जिसे क्षण स्वरूप का यानी पांच तत्व का संपूर्ण ज्ञान हो गया, तो उसमें 3 गुण भी आ ही गए हैं ना, पांच तत्व स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, तो ये जब इसमें आ जाएंगे, आचरण में आ जाएंगे, तो कैसे होगा? ये स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के पंच तत्वों की स्थूल पांच और सूक्ष्म पांच ये कलाएं जब प्रकट होगी, तब हमारा विभूति मत्व उसमें दिखेगा, उसका चातुर्य जो है कला उसकी वर्ण में प्रकट हो। उसके बाद संत की भूमिका आती है जो साम्यावस्था से आती है, और अवतार जो है वो कभी कभी हम कह देते हैं कि गुणों के होते हैं अवतार, अवतार गुणों के होते हैं यानी 3 गुणों के ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन जब हम विश्व वस्तु के अवतार की बातें करते हैं तो अवतार अयोनि सम्भव यानी अक्षर ब्रह्म से आते हैं, अक्षर ब्रह्म से आने के बाद प्रकृति की 16 ही कलाएं उनमें पूर्ण प्रकाशित दिखती है, लेकिन संत के बाद जब और अक्षर की स्थिति आती जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे फिर भगवान राम 13 कला की यानी 5 तत्व की 10 कलाएं, 3 स्थूल गुणों की 3 कलाएं यानी 13 कलावान वो भी अयोनि संभव अवतार है। और मायानंद चैतन्य जी भगवान श्री कृष्ण 16 कलावान के पूर्ण प्रकाश जो भगवद गीता में दिखते हैं, और मायानंद चैतन्य जी उसके भी प्रकाशक है जो आस्तिक के पद में स्थित, ये 17 कलाएं है। ठीक है, और कुछ प्रश्न होंगे इस विषय में तो कीजिए, समय भी समाप्त हो रहा है। स्वामी जी ये जो भगवान श्री राम में जो है 3 कलाएं कौन सी कम थी? कौन सी कम थी? तो 3 सूक्ष्म गुणों की कम थी, ये प्रश्न भगवान को भी पूछे और भगवान ने उत्तर भी दिया है, वो पढ़ लीजिए। सूक्ष्म कला एक कम थी, सीता जी का त्याग जो आखिरी में किया है उस विषय में और कपट जो है रावण का, जैसे भगवान श्री कृष्ण तुरंत पहचान लेते मारीच आ गया, ये पहचान ये कलाएं इतनी सूक्ष्म होती है, व्यवहार में ही वो प्रकट होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़िए और रामचंद्र जी का पढ़िए तो ध्यान में आ जाए। लेकिन पहले तो हम यही विचार करें कि भगवान कहते हैं कि कम से कम विद्याशाला की विद्या ग्रहण करने आए विद्यार्थी उसने पहला ध्येय ये रखना चाहिए कि कम से कम आप विभूति बने,
विभूति बने, विश्व जगत की विभूति, विश्व की विभूति, जगत की विभूति अभी उसमें आ जाती। वो सब अपने स्वरूप में दिखने लगेगी। क्योंकि अपने स्वरूप में ही जगत है ना, जगत मिथ्या नहीं दिख सकता, सब एक ही दिखना, ये महत्वपूर्ण है। विष्टि भाव नहीं दे जो तेज के नर तो न देख नहीं तो आगे सुख दुख सम धृति गई है। ये वृत्ति स्थित होना इसमें, ये साम्य अवस्था की स्थिति। स्वामी जी एक सत्तावन कृपा करके क्लियर कर दीजिए कि ये सूक्ष्म गुण कौन कौन से, जिसे आपने एक विरोधाभासी बात थोड़ी देर पहले कही कि अवतार अक्षर अयोनि संभव होते हैं और उसमें 16 कलाएं संपूर्ण रूप से रहती है। सूक्ष्म गुण कौन से है उसके साक्षी नहीं थे क्या भगवान, या पहचान नहीं पाए थे क्या, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे आवाज नहीं आ रही है। विश्व प्रकृति की सोना कला है, नहीं आ रही आवाज? आ रही आ रही आ रही आवाज। विश्व प्रकृति सोना कला, माया का आनंद जो पति है वो माया आनंद जो है वो तो साक्षी है ना सब कलाओं का। कैसे अर्थ निकाला आपने कि उनको कम की कुछ? हाँ, तो उसका अध्ययन कीजिए चरित्र में तो ध्यान में आएगा, क्योंकि वो सिद्ध करते हैं ये कलाई जो है अवतारी पुरुष अपने आचरण में सिद्ध करते हैं। तो हाँ, तो इसलिए परम संसिद्धि कहा है उसको, आस्तिक्य पद की, आस्तिक्य पद की परम संसिद्धि उनके पास नहीं दिखती, इसलिए तो वो अवतार में भी उत्क्रांति तत्व दिखता है ना। जैसे जीव है उसको साक्षात्कार हो गया स्वरूप का, तो एकदम उसका वर्ण प्रकाशित नहीं होता ना। मुमुक्ष जो है उसका जल्दी प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन जिसके विकार है उसमें तो पहली अवस्था उसके वर्ण की शुद्रावस्था ही रहती। जाति का भी ब्राह्मण हो तो वो स्वयं ब्राह्मण समझने लग जाता है, लेकिन ये गलत है। उसकी अवस्था वो विज्ञान में आ गया, प्रवेश हो गया, लेकिन अभी पूर्ण सत्व शुद्धि नहीं है उसका, उसका शुद्र ब्राह्मण है वो। क्रम क्रम से वहां पे जब शुद्ध हो जाएगा पूर्ण सत्व, तो ब्राह्मण ब्राह्मण वो जो नक्शे है आगे के समझाए वो ध्यान में आते हैं। तो अवतार में भी ये उत्क्रांति तत्व है, इसे ध्यान में आएगा आप। ठीक है महेंद्र जी। उनके स्वामी जी अभी क्लियर तो नहीं हुआ पूरा, पर भविष्य में हो जाएगा आपकी कृपा से। चौकसी जी सर, बिल्कुल पूर्ण समाधान हो गया है, अब अभ्यास करने की
का आशीर्वाद चाहिए, बस वो समाधान हो गया। आदरणीय चौकसी जी, अगले रविवार के लिए कुछ कार्य योजना ऐसे बना रहे। माइक बंद है आपका जी? जी 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 आपकी उत्पादन क्षमता होना
आप सुझाव दीजिए। हमने साधक जी का हो जाए जी, हमने साधक जी मजबूत जी 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 नर्मदे कौन से स्टेप में क्या श्लोक हमने जो अभी पढ़े हैं द्विज बोध का द्विज बोध दशक द्विज बोध दशक का तो हम पार्ट दो तीन और तीन चार का ठीक है तो आज का हम लोग सत्संग